हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। यूपी में चुनाव से पहले योगी क्या बड़ा फैसला लेने वाले हैं, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह पर क्या बड़ी खबर आई, चुनाव की खबरों पर देखिए इलेक्शन शो अब की बार किसकी सरकार, सुरभि शर्मा के साथ। हाजिर हूँ इलेक्शन का सबसे बड़ा शो अब की बार किसकी सरकार। यूपी और पंजाब की हर चुनावी खबर, हर वो न्यूज जिससे 2022 के इलेक्शन पर पड़ेगा असर, और गारंटी है कोई खबर छूटेगी नहीं। सबसे पहले आज की तीन बड़ी हेडलाइंस आपके सामने। पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, क्योंकि यहाँ यूपी से ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल पर कानून लाने की है तैयारी, 2 से ज्यादा बच्चों वाले पेरेंट्स के लिए बढ़ेगी टेंशन। प्रस्तावित कानून के ड्राफ्ट की एक्सक्लूसिव जानकारी अब से कुछ ही देर बाद। दूसरी बड़ी खबर यूपी में चुनाव से पहले ओबीसी वोट बैंक की प्रेशर पॉलिटिक्स, अमित शाह और नड्डा से मिलने के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का बीजेपी को अल्टीमेटम, मांगे पूरी करो वरना 2022 में जीत मुश्किल। तीसरी बड़ी खबर पंजाब से है, अरविंद केजरीवाल भी इलेक्शन मोड में आ गए हैं और कल अमृतसर से शुरू करेंगे अपना मिशन पंजाब, चर्चित पूर्व आईजी कर सकते हैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन। और सबसे बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, पहली बड़ी हेडलाइन, चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आबादी नियंत्रण कानून की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है और पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ही नए कानून का मसौदा बनाया जा रहा है। यूपी लॉ कमीशन ने इसके लिए कदम बढ़ा दिए हैं और जल्द ही एक रिपोर्ट तैयार करके योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने पेश की जाएगी, क्योंकि प्रस्तावित कानून का खाका अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन हमें कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी मिली हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं एक एक करके इस बड़ी खबर के सारे पॉइंट्स, क्योंकि कैसा हो सकता है यूपी का पॉपुलेशन कंट्रोल कानून, ये जानना बहुत जरूरी है। आबादी कानून का ड्राफ्ट अब तैयार करने की बात लॉ कमीशन कह रहा है और साथ ही 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी सुविधाएं उन्हें नहीं होंगी, लेकिन किस आधार पर इसको लेकर विचार किया जा रहा है, 2 बच्चे होने पर ही सरकारी सुविधा मिल सकेगी और साथ ही ये भी कि 2 बच्चे होने पर ही सरकारी सब्सिडी, इसके अलावा 2 बच्चे होने पर ही यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मुफ्त राशन की सुविधा रहेगी और ये भी कि अगर 2 बच्चे हैं तो सरकारी स्कूल्स में एडमिशन और साथ ही स्कॉलरशिप भी संभव है, लेकिन मुफ्त किताबें और ड्रेसेस देने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो इस कानून के तहत जो बड़ी बात सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अभी तक यूपी में ऐसा कोई कानून नहीं है, पहली बार लॉ कमीशन ने कानून का ड्राफ्ट बनाना शुरू किया है। यूपी लॉ कमीशन यानी उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने प्रस्तावित कानून के बारे में क्या कहा है, सुनिए। मैं पिछले 3 महीने में खास तौर पर और इस 2 साल के कोरोना एपिडेमिक के दौरान ये देखा कि बढ़ती हुई जनसंख्या भी इस प्रकार की महामारी को रोकने में बाधा बन रही है। जो हमारा प्रस्तावित कानून होगा इसमें किसी पर ये बाध्यकारी नहीं होगा कि वो अपना परिवार नियोजित करे ही करे, अगर उसे राज्य सरकार की वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा लेना है तो ऐसी दशा में उसको अपना परिवार नियंत्रित करना होगा, और अगर वो परिवार नियंत्रित करता है तो जितनी भी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ये राज्य सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा तय करेगी कि किस योजना में 2 या उससे कम बच्चे वाले को उस योजना का लाभ मिलेगा और किस व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये पूरी तरह राज्य सरकार का विवेक होगा। तो यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष ने बहुत बड़ी बात कही है और चुनाव से पहले सबसे बड़ी खबर ये निकलती है। बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है कि आबादी ज्यादा होने की वजह से ही संसाधनों का संकट सामने आ रहा है और अस्पताल, राशन और आवास की कमी की वजह से ही ये दिक्कत आ रही है। हालांकि आबादी पर नियंत्रण का कानून होना चाहिए, यूपी लॉ कमीशन की तरफ से ये बात की गई है, लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि आबादी नियंत्रण करने वालों को ही इसका फायदा मिलेगा। ये तो कोई यूपी लॉ कमीशन की बात, अगर नया कानून बनता है तो ये सब पर लागू होगा, लेकिन यूपी में बिना पॉलिटिक्स के कुछ भी नहीं होता है और आबादी पर कानून बनाने की बात हुई है तो ये भी एक पॉलिटिकल फ्रंट खुलेगा। मैं बताती हूं कि ऐसा होगा क्यों, क्योंकि आबादी नियंत्रण की बात होते ही पोलराइजेशन भी शुरू हो जाता है और यहां हिंदू मुसलमान की बात होने लगती है, मजहब की बात होने लगती है, मुसलमानों पर जबरन कानून थोपने के भी आरोप लगने लगते हैं। लॉ कमीशन के अध्यक्ष ने बहुत ही सावधानी से अपनी बात रखी है, लेकिन
हिंदू मुसलमान शुरू हो चुका है। अब समाजवादी पार्टी ने आबादी नियंत्रण कानून को ध्यान भटकाने की साजिश करार दे दिया है। सुनिए अनुराग भदौरिया क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ पूरी तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा, कोरोना में लोगों की मौतें हुई, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा और जिस तरह से यहाँ पे क्राइम देखने को मिला। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नए नए मुद्दे लाना चाहती। करना कुछ नहीं है, कोई मुद्दे उसको समाधान नहीं करना है, बस नए मुद्दा क्रिएट करना जिससे लोगों का ध्यान भटक जाए। इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है। तो आबादी नियंत्रण की बात आते ही हिंदू मुसलमान क्यों होने लगता है, इसकी वजह आबादी के ग्रोथ रेट में है। हिंदू आबादी के मुकाबले मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार ज्यादा है और इसी ग्रोथ रेट से एक पॉलिटिकल नरेटिव भी सेट होता है। हालांकि यहाँ 2021 की जनगणना के आंकड़े अब मैं आपके सामने रख रही हूँ, अभी ये आंकड़े नहीं आए हैं, उससे पहले के आंकड़े देखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो 2001 से 2011 के दशक में हिंदू आबादी किस तरह से बढ़ी है वो आंकड़े हैं। 1.55% ये बढ़ी है और मुस्लिम आबादी की अगर ये बात करें तो ये सालाना बढ़कर 2.2% हो चुकी है। उससे पहले के टाइम में अगर हम जाएं 1991 से लेकर 2001 के दशक की भी बात करें तो हिंदू आबादी यहाँ पर 1.8% तक रही है जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ी थी जिसकी सालाना रेट रहा है 2.6%। आबादी बढ़ने की रफ्तार दोनों समुदाय की हम बात कर रहे हैं घट रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने अब दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में भी हलफनामा देकर यह कहा था कि हम किसी भी नागरिक पर जबरन परिवार नियोजन नहीं थोपना चाहते हैं। अब सवाल यह भी है कि अब आगे क्या होगा क्योंकि यूपी में आबादी नियंत्रण कानून कैसे अमल में आएगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो लॉ कमीशन ने इसके लिए रिसर्च शुरू कर दी है और पहले अलग अलग राज्यों में इस कानून का किस तरह से अध्ययन किया गया है उस पर भी फोकस किया जाएगा और उसी के आधार पर ओवरऑल एनालिसिस होगा। फिर वर्ल्ड वाइड कैसी पॉलिसीज रही हैं इस पर भी जोर दिया जाएगा। तो यूपी सरकार की योजनाओं की एक लिस्ट भी बनेगी और कहां कहां पर इसका लाभ दिया गया है उसको लेकर एक सूची तैयार की जाएगी। हालांकि यहां यह भी बता दें कि रिपोर्ट के बाद योगी सरकार कानून बनाएगी क्योंकि ओवरऑल एनालिसिस इसका बहुत जरूरी है। इतना तो पक्का है कि यूपी में आबादी नियंत्रण कानून पर काम शुरू हुआ है तो वो अंजाम तक भी पहुंचेगा। हमने योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा से भी पूछा तो उन्होंने खरी खरी बात की। आज अगर हम इस चीज को लागू करेंगे, आज हम इसका कानून लाएंगे क्योंकि पिछली सरकारों में लोगों की इच्छा शक्ति नहीं थी और उन्होंने अगर पहले ये चीजें करी होती तो शायद आज इस दौर से गुजरना ना पड़ रहा होता हमें और हमारे देश के लोगों को। क्योंकि ये सामूहिक जिम्मेदारी है और सभी चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये हमारे समाज के लिए सर्व समाज की जरूरत है और देश के लिए जरूरत है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। ये किसका नारा था, ये नारा जिनका था उन्होंने तुष्टिकरण की भेंट चढ़ा दिया हमारे देश में, वही उन्होंने इसको दूसरी तक घुमा दिया, ये एक धर्म के लोगों से जोड़ दिया इसको कि साहब इनके लिए लाया जा रहा है, ये तो सभी लोगों के लिए लाया जा रहा है, सर्व धर्म के लिए लाया जा रहा है, तो इसको कांग्रेस ये क्यों रोती थी? कांग्रेस ने ही शुरू किया। आपने अच्छी तरह से आपको याद होगा कि कांग्रेस ने तो एक ऐसा दौर गुजार दिया देश में कि नसबंदी के नाम पर लोग बाजार में बैठे होते थे, गाड़ियां रुकती थी, अपना सामान छोड़कर भाग जाते थे लोग। क्या भारत में पहले से कोई आबादी कानून है? अब ग्राफिक्स के जरिए हम देखते हैं क्योंकि भारत के ही कुछ राज्यों ने पंचायत चुनावों में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की है और ये राज्य आपको बता दें कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड। हम ये भी देख लेते हैं कि दुनिया में कहां कहां टू चाइल्ड पॉलिसी का प्रयोग किया गया है और अगर दुनिया की यहां पर बात करें तो ईरान, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रिटिश, हांगकांग। लेकिन ये भी आपको बता दें कि फिलहाल किसी भी देश में ऐसा कोई कानून है नहीं क्योंकि प्रतिबंधों के साथ ही जब वहां पर आबादी कम होने लगी थी तो इन देशों ने अपनी पॉलिसी को वापस बदल भी दिया था। यूपी में चुनाव से पहले आपको बता दें ओबीसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी अब खूब चल रही है, इसको लेकर बड़ी डिटेल हमारे पास है क्योंकि एनडीए में शामिल निषाद पार्टी ने भी आंख दिखानी अब शुरू कर दी है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने क्या कहा जान लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी ने हमारी मांगों पर अमल नहीं किया तो 2022 में उसके लिए जीत मुश्किल हो सकती है। संजय निषाद ने क्या कहा है ये जानिए। अगर निषाद पार्टी दुखी होती है तो बीजेपी खुश नहीं रहेगी और उन्होंने ये भी कहा कि इस दावे में कितना दम है और योगी के लिए निषाद फैक्टर कितना जरूरी है ये हम आपको आगे जरूर समझाएंगे लेकिन उनकी तरफ से ये साफ अल्टीमेटम दे दिया गया है। संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद चाहते क्या है, वो मांग क्या कर रहे हैं ये अब मैं आपको बता देती हूं।
क्या मांग रखी जा रही है निषाद पार्टी की तरफ से और क्यों वो गुस्से में है? केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह की मांग की जा रही है, साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से मुकदमे भी वापस हो जाएं। और बड़ी बात ये कि बीएसपी काल में बने कानून को खत्म करने की वो बात कह रहे हैं, निषाद पार्टी को उचित सम्मान मिलने की बात कह रहे हैं, और साथ ही ये कि निषाद आरक्षण की मांग भी पूरी हो जानी चाहिए। निषाद पार्टी के संजय निषाद को अब सुनिए और समझिए कि योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव से पहले वो कैसी मुश्किल पेश कर सकते हैं। जब हम लोग कांग्रेस सपा बसपा सबको वोट दिया, सबने छला था, 2019 में मोदी जी के साथ आया, सपा बसपा एक हो गई, लेकिन फिर भी हमारे वोट इतने थे कि मैं मोदी के साथ 40 सीटों पर मैं बेहतर प्रदर्शन करा जिताया, 65 सीटें भाजपा जीती। सरकार ने और बड़ी शीर्ष नेतृत्व से हमसे कहा था, भाई देखो राष्ट्रीय मुद्दे बड़े बड़े हैं, हल करने के लिए हमें समय दे दो, धारा 370 और तमाम है, और फिर हम आपके मुद्दे को हल करेंगे। लेकिन 2 साल बीत गए और हुआ नहीं, तो मेरा समाज आंदोलित हो गया और गुस्से में आ गया कि भैया जैसे कांग्रेस ने धोखा दिया, सपा ने दिया, बसपा ने, उसी तरीके से ये कर रहे हैं। वादा किया था भाजपा ने कि हम मंत्रालय देंगे आपको, आप अपने समाज की सेवा करो, अगर हमें आप मंत्रालय दिए होते तो शायद इस तरीके से घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाती और इस तरीके से हमारे समाज के साथ कानून बना के अन्याय नहीं कर पाते ये अधिकारी जो कर्मचारी जो वोट को खराब किए हैं। तो पूरी बात को नड्डा साहब ने सुना, अमित शाह ने सुना, ये संदेश जल्दी पहुंचा दीजिए, नहीं तो 2022 बहुत कठिन हो जाएगा। भाई निषादों को दुख देकर भाजपा सुख नहीं प्राप्त कर सकती। 2019 से पहले निषाद पार्टी एसपी और बीएसपी के साथ भी थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा दिया और निषाद पार्टी एनडीए के साथ आ गई थी। अब ये भी आपको बता दें कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से ही सांसद भी हैं, निषाद ओबीसी में आते हैं और निषाद का समीकरण समझने से पहले पूरे यूपी का ये कास्ट फैक्टर आपके सामने है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। और ये पूरा कास्ट फैक्टर इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि स्वर्ण यहाँ पर 19% तक आते हैं, ब्राह्मण भूमिहार ठाकुर कायस्थ इसमें है, और साथ ही ओबीसी फैक्टर की बात करें तो 40% है, 55 जाति, 234 उपजातियां, यादव कुर्मी और मौर्य निषाद लोद जाट विश्वकर्मा, साथ ही अनुसूचित जाति की बात करें तो ये 22% है, जबकि मुस्लिम 19%। तो ओबीसी का पूरा ये गणित हमने आपको बताया है और ये भी बता दें कि यादव यहाँ पर 10%, निषाद केवट ला 7% और कुर्मी पटेल यहाँ 5%। 17 जिलों में हालांकि 15% से ज्यादा कुशवाहा है, जिसमें आपको ये भी बता दें कि सैनी 5% है, और 13 जिलों में 10 से ज्यादा है। ये मौर्य यहाँ पर आपको बता दें 4% तक, लोद 3% और अन्य 6% तक है। अब अपने बयान में संजय निषाद ने आपको बता दें अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई मुलाकात का भी जिक्र किया है, जो पिछले 10 दिन में हुई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि सबसे पहले 10 जून को ही निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद और सांसद प्रवीण निषाद अमित शाह से दिल्ली में मिलने पहुंचे थे, उनके घर पर हुई मुलाकात की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जबकि 15 जून को दोनों नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी। अमित शाह से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद निषाद पार्टी का ये दावा था कि बीजेपी के साथ उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन अब सुर बदलते दिख रहे हैं। तो निषाद पार्टी दबाव क्यों बना रही है, उसके पीछे इस समाज का 7% वोट है, 7% वोट। निषाद वोटर्स यूपी की 135 सीटों पर प्रभाव डालते हैं, ये खास तौर पर पूर्वी यूपी में इनका दबदबा ज्यादा है, नदियों के किनारे बसे जो इलाके हैं इनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है, क्योंकि निषाद के दबदबे वाले जिले जो हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, सहारनपुर, हमीरपुर, ये वो सीटें हैं जहां पर निषाद वोटर जीत हार तय करते हैं। और योगी के गढ़ गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर बहुत मजबूत हैं, इनकी संख्या करीब 6 लाख है। वाराणसी की भी बात करें तो 8 विधानसभा सीटों पर अहम भूमिका ये निभाते हैं। अब यूपी में निषाद पार्टी अकेली नहीं है जो चुनाव आते ही प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगी है, यूपी में ऐसे कई छोटे दल हैं जो एक नेता पर निर्भर हैं और चुनाव दर चुनाव अलग अलग दलों में हिचकोले भी खाते रहते हैं। निषाद पार्टी की बात तो आपने सुन ली है, लेकिन बाकी दलों के बारे में भी अब जान लीजिए। बाकी दलों की बात जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ अपना दल से अनुप्रिया पटेल इसकी नेता है और केंद्र से मंत्री भी रह चुकी हैं, फिर से मंत्री पद मांग रही हैं। इस पार्टी का असर पूर्वांचल में सबसे ज्यादा है और इसका पटेल वोटर्स पर काफी ज्यादा असर है। अपना दल इसकी उपाध्यक्ष हैं
पल्लवी पटेल, और पल्लवी पटेल जो अनुप्रिया की बहन है इस पार्टी का भी कुर्मी और पटेल वोट पर दावा है। और पल्लवी पटेल ने हाल ही में अखिलेश यादव से भी गठबंधन पर बात की है। सुहेल देव समाज पार्टी, ये पहले एनडीए के साथ थी, इसके नेता ओम प्रकाश राजभर हैं। ये पार्टी ओबीसी समुदाय के राजभर समाज पर दावा करती है। आगे महान दल, एक समय बसपा के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं। और यहां बता दें, केशव देव मौर्य ने 2008 में महान दल का गठबंधन किया था। ये कुशवाहा, शाक्य, मौर्य और इसके अलावा सैनी, कंबोज, भगत, महतो, मुराव, भुजबल और गहलोत बिरादरी का समूह है। राष्ट्रीय लोकदल, अजीत सिंह के निधन के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी इस पार्टी के सर्वे सर्वा रहे हैं और इस पार्टी का दखल पश्चिमी यूपी में ज्यादा है। तो सुहेल देव समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खिलाफ अब बड़ा मोर्चा बनाना चाहते हैं। वो ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल को मिलाकर पॉलिटिकल फोर्स बनाना चाहते हैं। राजभर समाज के नेता ओम प्रकाश राजभर पहले एनडीए में थे, मगर अब चुनाव से पहले कह रहे हैं कि बीजेपी को पिछड़ों की याद सिर्फ चुनाव के वक्त ही आती है। उनके साथ अनुप्रिया जी लड़ी, 2 साल अनुप्रिया जी किनारे रही। आपने मंत्रिमंडल बनाया, सहयोगी दल है तो सहयोगी दल का इज्जत करो, उसको सरकार में शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। अब चुनाव आ गया है तो अब जो है इनको ये पिछड़े दलित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वोट लेने के लिए पिछड़ों की खोज हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी जी ने 5,844 पद पिछड़ों का लूट लिया है। इलेक्शन शो में अब पंजाब की बड़ी खबर। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर उनके मरहूम पिता यदुवेंद्र सिंह की है, जब वो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आ रहे हिंदू और सिख शरणार्थियों को रिसीव कर रहे थे। यदुवेंद्र सिंह आर्मी ऑफिसर थे और बाद में खुद कैप्टन भी आर्मी में गए। फादर्स डे के मौके पर पिता के साथ कैप्टन की ये तस्वीर आपके सामने है। और अमरिंदर सिंह ने सरदार पटेल को भी यहाँ याद किया है, इस तरह अपनी राष्ट्रवादी सोच को दिखाया है। आज ही कैप्टन से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आई है। कैप्टन दिल्ली आ रहे हैं और 22 जून सुबह 11 बजे। और ये भी बता दें कि AICC के पैनल के साथ कैप्टन की ये दूसरी मीटिंग होने वाली है, लेकिन दिल्ली आकर भी कैप्टन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नहीं करेंगे मुलाकात। पहले सोनिया गांधी के साथ भी कैप्टन की मीटिंग फिक्स थी, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अब 22 जून को सोनिया और कैप्टन की मीटिंग नहीं होगी। अब आगे आपको बता देते हैं किस तरह से अब कैप्टन के बाद केजरीवाल भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं पंजाब की राजनीति को लेकर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब मिशन पंजाब पर निकल गए हैं। आज ही उनकी तरफ से ट्वीट भी हुआ, केजरीवाल कल पंजाब जाने वाले हैं। अमृतसर में पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी का जायजा लेने के लिए अरविंद केजरीवाल अब पंजाब का रुख करने वाले हैं। और पूरी तरह से इलेक्शन मोड में क्यों है, क्योंकि आज हमने देखा किस तरह से पंजाबी भाषा में अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक ट्वीट किया गया और पंजाब बदलाव चाहता है, ये दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उसकी उम्मीद है। कल अमृतसर में मिलते हैं। तो ये आज का ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से। और केजरीवाल पंजाब के लिए पूरी ताकत अब झोंकना चाहते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नंबर 2 पर जगह बनाई थी और अब केजरीवाल पार्टी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। तो पंजाब चुनाव के लिए आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल की ये पूरी तैयारी थी। आज के इलेक्शन शो में मैंने आपको यूपी और पंजाब की हर बड़ी खबर का अपडेट दिया। अब से थोड़ी देर बाद यानी 4 मिनट बाद हकीकत क्या है, मैं देखिए क्या कश्मीर में गेम चेंजर फैसला होने वाला है। नमस्ते, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।